love stories, family dramas, over-the-top actions, romantic comedies, इन टॉपिक्स पर फिल्में बनाने वाले बहुत से डायरेक्टर्स आपको बॉलीवुड में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ गिने चुने डायरेक्टर सस्पेंस थ्रिलर जॉनरों को एक्सप्लोर करके फिल्में बनाते हैं। उनमें से एक है डायरेक्टर श्रीराम राघवन। 2018 की फिल्म अंधाधुन से सबका दिल जीतने वाले डायरेक्टर श्रीराम राघवन जी ने इससे पहले कई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में बनाई हैं, जिनमें से उनका ग्रिपिंग स्टोरी लाइन वाली फिल्में बनाने का अंदाज नज़र आता है। आज हम उनकी ऐसी एक अंडररेटेड फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो फिल्म अगर आज के डेट में रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देती। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिल्मी फैक्टर। दो हजार सात की मूवी जॉनी गद्दार का ये गाना तो आपने सुना ही होगा। गाना भले ही हिट हुआ हो, लेकिन मूवी को अगर हम अंडररेटेड कहेंगे तो कुछ गलत बात नहीं है। फिल्म के लीड रोल में है नील नितिन मुकेश। हालांकि आपको बता दें कि इसी मूवी से नील नितिन मुकेश ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसी के साथ आपको मूवी में देखने मिलेंगे धर्मेंद्र पाजी, रिमी सेन, जाकिर हुसैन, विनय पाठक, अश्विनी कालसेकर और अपने सीआईडी वाले दया। फिल्म के मॉडरेट सक्सेस के बाद इस फिल्म का मलयालम में उन्नम, तेलुगु में कमीना और तमिल में जॉनी के नाम से रीमेक बनाया गया। फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। विक्रम, शेषाद्री, शार्दुल, प्रकाश और शिवा, ये पांचों मिलकर एक गैम्बलिंग क्लब चलाते हैं और साथ में कुछ अंडरहैंड डील्स में भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। एक दिन बेंगलोर से शेषाद्री को एक ऑफर आती है कि 5 करोड़ के ड्रग आधे दाम में यानी कि 2.5 करोड़ में मिलेंगे और वो जल्द से जल्द इस डील को खरीद ले। शेषाद्री अपने चारों पार्टनर्स को बुला के 50-50 लाख का कंट्रीब्यूशन करने बोलता है। कैसे कैसे करके सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके 2.5 करोड़ की एक मोटी रकम तैयार करते हैं। अब ये 2.5 करोड़ की बड़ी रकम लेके बेंगलोर जाकर डील करने की जिम्मेदारी शिवा को दी जाती है। उसी दौरान विक्रम के मन में लालच आ जाती है और वो पूरे 2.5 करोड़ रुपये ऐंठने का प्लान बना लेता है। अब वो प्लान क्या है, वो कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, इसमें उसको क्या क्या मुसीबतें आती हैं और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो किस हद तक जाता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मूवी के अंदर मिल जाएंगे और इसके लिए आपको इस मूवी को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना पड़ेगा। मूवी काफ़ी इंगेजिंग है और आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा बांध के रखती है। अगर आप ये मूवी पहले ही देख चुके हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और अगर ये मूवी आपने अभी तक नहीं देखी तो YouTube पे ये फ्री में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो। और अगर आप श्रीराम राघवन के फिल्मों के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।